कैसे हो दोस्तों, स्वागत है और एक अनबॉक्सिंग के वीडियो पे। तो सबसे पहले आज है रक्षाबंधन, ठीक है। तो सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जेब्रोनिक्स के एक 4-in-1 होम थिएटर की, जिसका प्राइस क्या है मैं आगे जाकर बताऊंगा। पहले इसका जो डिटेल्स है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या मसाला इसको डाल के रखा है इसके अंदर क्या क्या मसाला है, वो पहले चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है, ये अभी नॉर्मल है। उसके बाद यूएसबी सपोर्ट मिलता है, एफएम रेडियो का सपोर्ट मिलता है, और आपके उसके बाद ऑक्स केबल, एलईडी डिस्प्ले, ओ नाइस, कलर, एलईडी ब्राइटनेस वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे कुछ है। और इसका प्राइस चेक करते हैं, इसका प्राइस है 4,699, लेकिन मेरे को फ्लिपकार्ट से पड़ा बस 2,500। ओके, तो बहुत सस्ता मिल गया मेरे को। लेकिन जेब्रोनिक्स का जो साउंड क्वालिटी होता है वो काफी अच्छा होता है मेरे मानने में, तो मैंने इसलिए जेब्रोनिक्स ऑर्डर किया है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या मसाला इसके अंदर डाला हुआ है और क्या क्या बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। फ्लिपकार्ट ने ऐसे ही भेज दिया, ये मेरे को डिसअपॉइंटेड लगा। फ्लिपकार्ट का जो पैकेजिंग है, बस कंपनी का ही जो बॉक्स है उसके ऊपर स्टिकर लगा के भेजा है, तो ये मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ये इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग करने से पहले आप देख रहे हैं टेकेजी चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन को ऑल पे करने से मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको पहुंचाए। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हेलो, अनबॉक्सिंग मैंने कर दिया है। लुक वाइज देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, और 4-in-1 का जो स्पीकर का जो शेप है, जो स्टाइल है, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है। और बॉक्स के अंदर यही मिलता है, चार मोनो स्पीकर और एक मेन स्पीकर मिलता है, उसके साथ एक आपका ऑक्स केबल मिल जाता है, और एक रिमोट दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो चलिए इसका अभी टेस्टिंग करते हैं। रिमोट जो है काफी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है मेरे को, काफी अच्छा क्वालिटी का, और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अच्छा है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और इसका भी टेस्टिंग करते हैं, साउंड कैसा निकल जाता है। मैनुअल की जरूरत नहीं है, मैनुअल का रखते हैं साइड में। तो लुक वाइज बात करते हैं पहले, और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। फाइबर मेटालिक सामने है, पीछे जो है वो वुड की काम करके रखा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन फाइबर का जो क्वालिटी है वो अच्छा है भाई, सच में बता रहे हैं, अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, तो मेरे को पसंद आया। मेनली क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद आया है, लुक्स वाइज देखे तो क्वालिटी बढ़िया है। तो चलिए अभी इसका टेस्टिंग चालू करते हैं, कैसा है इसका बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कैसा है, बेस क्वालिटी कैसा है। सबसे मेन जो है साउंड भाई, जिसने लिए मैंने खरीदा, अब भी खरीदोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, तो लेट्स गो, देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। अभी मैं इसको सेटअप करता हूँ, सेटअप करते करते आप अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका पूरा सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो अभी इसका साउंड टेस्ट करते हैं, और आपको मैं पहले बता देता हूँ, पीछे आप चार जो मोनो माइक है, मोनो स्पीकर है, उसको लगाने की जैक मिलता है, और एक ऑक्स केबल लगाने की, और पीछे पावर स्विच दिया गया है, आप देख सकते हैं पीछे एक पावर स्विच भी दिया गया है। आप चाहे तो इधर से ही इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और रिमोट में भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिमोट का ऑपरेटिंग सिस्टम अभी दिखाते हैं, मैं पहले इसको जस्ट ऑन करके मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो चलो मैं इसको ऑन करता हूँ, पहले मैं ऑक्स केबल में चला के दिखाता हूँ आपको। तो चलो मैं ऑक्स केबल से कनेक्ट कर दिया इसको, अभी पावर देते हैं। ओ पी गुप, पहले ही बैस निकल के आ गए, बेस जो है गुप करके। तो चलो इसको ओपन करते हैं, एक गाना ओपन कर लेते हैं, म्यूजिक दोस्तों। साउंड काफी तगड़ा है, साउंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड दे रहा है भाई। अभी इसका जो बेस्ट क्वालिटी है वो भाई क्या मतलब भाई, अब देख पा रहे हो, देखो भाई घुमा देते हैं, एलईडी जल रहा है सामने भाई, एलईडी कब तक जहर बोलते पब्लिक, एलईडी भी दिया गया है सामने, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। रुको इसका तार थोड़ा
खोल देते हैं भाई। और छोटा छोटा जो स्पीकर देख रखा है, इसका जो वायर का जो साइज है वो करीबन 2 मीटर के साइज 2 मीटर है। और बिल्ड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मैं खुद की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफी अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है। तो अभी म्यूजिक चलाते हैं और साउंड टेस्ट करते हैं कैसा बेस क्वालिटी आती है और साउंड क्वालिटी है। चलो तो भाई अभी साउंड बढ़िया लग रहा है मेरे को। अभी फुल वॉल्यूम पे चलाते हैं, फुल वॉल्यूम पे चला के देखते हैं कैसा चलता है। गाइस बहुत ज्यादा लाउड है, मतलब उम्मीद से ज्यादा लाउड है भाई, बहुत ज्यादा लाउड है। तो गाइस जैसे आपने सुना साउंड अच्छा है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है बेस जो है वो थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। चलो और एक बार ट्राई करते हैं बेस। चलो अभी क्या है, अभी ब्लूटूथ पे कनेक्ट करके चलाते के देखते हैं, ठीक है। तो इसका सेटिंग जो है इनपुट, इसको ब्लूटूथ में मैंने कनेक्ट कर दिया। एक चीज आपने नोटिस किया, जब मैं ऑक्स केबल में सेम म्यूजिक प्ले कर रहा था, बेस क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा था। जब मैं ब्लूटूथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो तब बेस, देखिए मैं ऑक्स केबल को हटा देता हूं, आप बोलोगे या स्कैम कर रहा है बंदा, नहीं देखो मैं ऑक्स केबल को हटा देता हूं। देखो पीछे देखो, ऑक्स केबल खोल दिया मैंने, ब्लूटूथ कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है मेरे लैपटॉप के साथ, इसको हटा देते हैं भाई। ब्लूटूथ में कनेक्शन अच्छे आ रहे हैं और बेस भी ज्यादा आ रहे हैं। अब सुनिए और एक बार सुनिए, भाई ब्लूटूथ में बेस क्वालिटी सच बता रहे हैं ज्यादा अच्छे आ रहे हैं ब्लूटूथ में बेस क्वालिटी। और अभी लाउडनेस की बात करते हैं, लाउडनेस कितना ज्यादा लाउड आता है। गाइस ब्लूटूथ में पूरा सिस्टम जैसे चेंज हो गया, मान लो कुछ धमाका हो गया, ऐसे पूरा धमाका हो गया, मतलब जब भी ब्लूटूथ कनेक्शन हो रहा है उसके बाद मान लो पूरा धमाका हो गया, ठीक है, पूरा धमाका हो गया ब्लूटूथ में, क्या बताएं भाई, ब्लूटूथ में पूरा सिस्टम चेंज हो गया और चारों स्पीकर अच्छे चल रहे हैं, साउंड भी अच्छे आ रहे हैं। और मैं आपको फाइनली मेरा जो डिसीजन है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 2500 रुपए में आप जरूर खरीदिएगा, अच्छे क्वालिटी का जेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग मिलता है और 1 साल का वारंटी मिलता है, 4-in-1 स्पीकर मिलते हैं, लाउडनेस अच्छा है, बेस क्वालिटी अच्छे है, अच्छे खासे रिमोट मिल जाते हैं। रिमोट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंपल रिमोट की तरह ही है, जिसमें आपको एक स्लीप का ऑप्शन मिलता है, इनपुट सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, म्यूट मिलता है और कुछ कीज मिलते हैं। ये वाला जो कीज है तभी काम करेगा जब इसको आप इसके यूएसबी एडॉप्टर पे चलाओगे, इसमें यूएसबी भी सपोर्ट की मिलती है और उसके साथ जब आप यूएसबी पे कनेक्ट करोगे तभी इसका जो स्विच है वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, बस पॉज और प्ले एंड वॉल्यूम काम करेगा उससे पहले। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अच्छे क्वालिटी के है, देखने में भी काफी बढ़िया लगते हैं,
आप चाहे तो डेफिनेटली इसको खरीद सकते हो, बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, बेस क्वालिटी अच्छा है, तो आई विल बी रिकमेंडेड यू। तो गाइस आप फिर चेक कर लेना, 2500 रुपये का इसका प्राइस है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। और बहुत सारे जो मेरे अनबॉक्सिंग है वो आई थिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आईकल का भी एक 2000 रुपीज का होम थिएटर मैंने रिव्यू करा है, अनबॉक्सिंग की है, उसका लिंक आपको आई थिंक आई बटन पे आ रहे हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट और भी एक होम थिएटर आएगा बूस्ट का, प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 2000 रुपीज में है, वो भी 60 वाट का है, ए भी 60 वाट का है, वो भी 60 वाट का है। आप बस वेट करो कौन से वाले ब्रांड है, वो भी अच्छे क्वालिटी है, वो भी 4-in-1 है, बस वो आ रहे हैं, मैं उसको ऑर्डर किया है, वो बस आ रहे हैं, तो ये भी अच्छे हैं। और उसके लिए भी, और दोनों के उसके बाद कंपेरिजन करेंगे किसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, तो उसके लिए प्लीज भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी का है, चाहे तो ले सकते हो, जेबोनिक्स का ब्रांडिंग का, जो जेबोनिक्स हमेशा एक अच्छे क्वालिटी का ब्रांड देता है, अच्छे क्वालिटी का साउंड देता है, मेरे को काफी ज्यादा तगड़ा लगा, अच्छा लगा। चलिए थोड़ा लास्ट में इंजॉय कर लेते हैं साउंड को। A1, A1, bro, A1. अच्छे है।